सियासत जो है उसका नाम ये नहीं है कि किसी के साथ मुआदा करें उसके बाद उसके खिलाफ साजिश करें। हमारा मुआदा यकीनी तौर पे रियासत पाकिस्तान के साथ है, हम रियासत के इत्तेहादी हैं। जब तक रियासत इनके साथ खड़ी है, पीटीए के साथ खड़ी है, हम भी इनके साथ खड़े। हमारा मुआहिदा रियासत पाकिस्तान के साथ है, जब तक रियासत तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी है हम भी इनके साथ है। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा कामिल अली आगा ने कहा कि आसिफ अली जरदारी मुलाकात के लिए आए तो उन्होंने अपना एजेंडा पेश किया। काफरी की क्यादत ने बता दिया कि तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी हैं, मुआहिदे के तहत तहरीक इंसाफ के 5 साल पूरे कराएंगे। कौन सी खाने में सामान दे रहा हो यार? सामान तो फिर आप लोग मुतमईन है, अभी पकना शुरू नहीं हुआ सामान। थोड़ा देर कच्चा ही खा लो। अपोजिशन अभी तो किचन में सामान इकट्ठा कर रही है, जब कुछ पक जाएगा तो खुशबू भी आ जाएगी। आप क्या चाहते हैं, कच्चा ही खा जाएं? परवेज इलाही का मीडिया से गुफ्तगू में सवाल पर जवाब, बोले एमकेएम के रहनुमाओं से मुलाकात में तहरीक अदम एतमाद के मुतालिक कोई बात नहीं हुई। आमिर खान बोले हुकूमत के इत्तेहादी हैं मगर फैसले मुशावरत से करेंगे, हुकूमत में हिस्सा बढ़ाने की कोशिश नहीं कर रहे। वादी सवात के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी का नया सिलसिला, कालाम, बहरीन, मटलतान और अतरोड में बर्फबारी का सिलसिला आज भी जारी रहने का इम्कान। वादी जियारत में भी बर्फबारी, पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। बलोचिस्तान के कई इलाकों में बारिश भी हुई। कराची और सखर समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरसने लगे। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान सरफराज अहमद पर कराची में ग्राउंड पर कब्जे का इल्जाम। सरफराज अहमद ने मुबैना तौर पर नॉर्थ नाजमाबाद में गर्ल्स कॉलेज के ग्राउंड पर कब्जा करके क्रिकेट एकेडमी बना ली। ग्राउंड पर मुबैना कब्जे के खिलाफ प्रिंसिपल, असातिज़ा और तालिबात का एहतजाज। महकमे कॉलेज एजुकेशन ने कब्जा छुड़ाने के लिए कमिश्नर को खत लिख दिया। और वादी नलतर के दिलफरेब, हसीन और बर्फ पोश पहाड़ों में खेलों का जोशो खरोश। 29वीं नेशनल स्केटिंग चैंपियनशिप का इनेकाद, पहले रोज गिरगिट बल्तिस्तान स्काउट्स के जाहिद अब्बास ने सालिम कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीत लिया। स्पोर्ट फेस्टिवल से सियाहत के फरोग की उम्मीद, आलमी सतह पर विंटर स्पोर्ट्स के लिए पाकिस्तानी खिलाड़ियों को तैयारी का मौका भी मिला। विंटर ओलंपिक्स में मेडल जीतने की जंग जारी, स्की जंपिंग मिक्स टीम में सिल्वेनिया ने कामयाबी हासिल की। मर्दों के शॉर्ट ट्रैक स्पीड ट्रैकिंग इवेंट में हंगरी के खिलाड़ियों के फूल करने पर चीन को फाते करार दिया गया। वुमेन्स 500 में इटली की आरियाना ने कामयाबी समेटी।